बहुत कॉस्टली होता है, बैटरीज होते हैं सेल होते हैं, उसमें थोड़ी सी एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये सारा स्टोर नहीं है। ये अभी जो है रिसर्च में चल रहा है कि एनर्जी कैसे स्टोर करें। ये प्रोग्राम आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आते हैं देखते हैं तो अभी वो ध्यान किया चाहिए क्यों, अदरवाइज जाने के लिए हमारे पास क्या पावर होना चाहिए। ये पावर सबसे मुहिम एजुकेशन के हवाले से जितना हमारा देश, आप लोगों को आज मालूम होगी कि हमारे देश आज़ाद हुए साम्राज्य की चुंगल से निकाल ली जाती है या बिजली बनाने के बाद पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, वो सारी भ्रांतियाँ आज बच्चों को हम लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी सिर्फ टरबाइन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है और टरबाइन को घुमाने के बाद उस पानी में कोई भी चेंज नहीं होता है और वो नदी में मिला दिया जाता है। तो जब तक बच्चे प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखते नहीं हैं तब तक उस चीज़ को समझ में नहीं आता है। अगर आप बोलते हैं कि कारगिल में पावर स्टेशन है 44 मेगावाट का, तो लोगों को ठीक है 44 मेगावाट का पावर स्टेशन है, बट पावर स्टेशन होता कैसा है और दिखता कैसा है, मशीनें कैसे चलती हैं, उसके अंदर कितनी मशीनें लगी हैं और कैसे लोग काम करते हैं, वो तभी पता चलता है जब बच्चे वहाँ पे एक्चुअल में देखते हैं। और इसी के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा था कि बच्चों को अवेयरनेस हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। जैसे ये हमारा अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है, पहाड़ को चीर करके जो है वो उसके अंदर बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब तक देखते नहीं हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहाड़ के अंदर कैसे पावर स्टेशन बनाया जा सकता है। और बच्चों को ये सारी टेक्निकल एजुकेशन भी मिलती है और आगे इससे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है कि जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं, तो वो ज़रूर किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। मैं बानू और मैं ट्रस्कॉन हाई सेकेंडरी स्कूल के 12th साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से NHPC डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ अपने पावर हाउस को देखने का मौका दिया और हमने यहाँ प्रैक्टिकली देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। हमने यहाँ मतलब हाइड्रो पावर को इलेक्ट्रिक पावर में जनरेट करने का तरीका वो सब कुछ देखा हमने। और मैं अपनी स्कूल की तरफ से NHPC डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये सब देखने का मौका दिया और उनसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें वो हम सबको ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। हमें इनसे एक्सपोजर मिला, हमें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहा ये विज़िट हमारे लिए, इसलिए मैं अपने स्कूल की तरफ से NHPC डिपार्टमेंट और उनके सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ।